ऑस्कर में नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। अहंकार इंसान को डुबा देता है, ये आपने जरूर सुना होगा। हालांकि अहंकार और आत्मविश्वास में सिर्फ एक ही शब्द का फर्क होता है, मैं ये काम कर सकता हूँ, ये मेरा आत्मविश्वास हो सकता है, लेकिन सिर्फ मैं ही ये काम कर सकता हूँ, इस लाइन से अहंकार की बू आती है। और इस तरह की भाषा हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारा कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील हो जाता है। बीजेपी का आज कुछ ऐसा ही हाल है। हालांकि बीजेपी के विरोधियों के द्वारा उन्हें हमेशा अहंकारी कहते हुए आपने सुना होगा, लेकिन अब यही बात बीजेपी के लिए आरएसएस कह रही है। जी हाँ, वही आरएसएस जो बीजेपी के लिए जमीन तैयार करने में अहम भूमिका निभाती है। जिस आरएसएस के सेवक देश के हर कोने कोने में मौजूद होते हैं, वही आरएसएस अब बीजेपी को अहंकारी कह रही है। सबसे पहले तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बीजेपी को खूब सुनाया। मणिपुर में जो हिंसा की आग पिछले एक साल से जल रही है, उसे लेकर मोहन भागवत ने मोदी सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई थी। चलिए पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं। अब एक साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा, पुराना गन कल्चर समाप्त तो हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है, कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। सुना आपने मोहन भागवत किस तरह से मणिपुर में भड़के हिंसा के लिए किस तरह से मोदी सरकार को घेर रहे हैं और कह रहे हैं कि 10 साल पहले वहां सब कुछ ठीक था, लेकिन अब अचानक वहां का माहौल खराब हुआ या फिर खराब किया गया, लेकिन अब तक वहां शांति बहाल भी नहीं हो पाया है और इसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि मोदी सरकार ही है। मोहन भागवत के बयान को लेकर अभी चर्चा हो ही रही थी और कहा जा रहा था कि बीजेपी और आरएसएस में नाराजगी है। इसी बीच अब आरएसएस के एक और बड़े नेता इंद्रेश कुमार ने भी बीजेपी को इशारों ही इशारों में खूब खरी खोटी सुना दी है और बीजेपी को अहंकारी तक बता दिया है। चलिए अब आपको इंद्रेश कुमार को भी सुना देते हैं कि उन्होंने क्या कुछ बयान दिया है। जिन्होंने राम के भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं थी, सब मिलकर भी नंबर एक नहीं बने, नंबर दो पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की अहंकार आया उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया, कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो मेरे अहंकार करे, और जो राम का विरोध करे उसका आकल्याण अपने आप है, प्रभु ने बिगाड़ दिया। इसलिए लल्लू सिंह उसने जनता के ऊपर जुलम किए थे, राम जी ने कहा थोड़ी देर 5 साल विश्राम कर ले, अगली बार देख लेंगे तेरा भी क्या करना। इसलिए राम भेदभाव नहीं करते, राम सजा नहीं देते। सुना आपने इंद्रेश कुमार कैसे बीजेपी का नाम लिए बगैर तंज कस रहे हैं और उन्हें अहंकारी बता रहे हैं। अब आरएसएस की तरफ से चूंकि ऐसे बयान आ रहे हैं तो ये सोचने वाली बात है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी का साथ देने वाली संगठन आरएसएस ने यू टर्न ले लिया है और लगातार बीजेपी पर तंज कसा जा रहा है। वहीं आरएसएस नेताओं के इस बयान के बाद अब कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी प्रतिक्रिया दी है। पवन खेड़ा ने कहा कि आरएसएस को कोई गंभीरता से नहीं लेता, मोदी जी खुद गंभीरता से नहीं लेते हैं, जब बोलने का समय था तब नहीं बोला गया, हर जिले में आरएसएस कार्यालय बन रहे थे, अब जब चिड़िया चुग गई खेत तो आप बोलने आ गए, पहले मोदी जी उनकी बात सुन ले फिर हम सुनेंगे। तो इस तरह से चुनाव के बाद अब आरएसएस खुलकर अपनी नाराजगी दिखा रही है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि ये नाराजगी चुनाव से 6 महीने पहले से चल रहा था, लेकिन अब खुलकर आरएसएस के नेता बीजेपी से अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं। वैसे क्या आपको भी लगता है कि लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत तक ना मिलना बीजेपी को उसके अहंकार का परिणाम है? कमेंट करके जरूर बताएं।